चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी घर पर फेशियल करने का तरीका। घर पर फेशियल करें अपनी नेचुरल चीजों से, बाजार से या पार्लर में जाने से अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी केमिकल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिससे आपको वक्ती तौर पर तो रिजल्ट मिलते हैं, आपकी स्किन साफ हो जाती है, कलर फेयर हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपकी स्किन में जो अंदरूनी तौर पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही गंदी होती हैं, बहुत ही आपको गंदी किस्म की कोई बीमारी लग सकती है स्किन की, जिससे आपको मजीद कुछ ना कुछ बीमारी होती है या कोई ना कोई साइड इफेक्ट वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और आप इस फेशियल वाले तरीके से पार्लर के खर्चे से भी बच जाएंगे, महंगी क्रीमों से, और अपनी स्किन का नेचुरल तरीके से ख्याल रख सकेंगे, और आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आपको पार्लर में केमिकल्स यूज करने में मिलते हैं। लेकिन क्योंकि वो वक्ती तौर पे होते हैं, लेकिन जब आप ये वाला टोटका आजमाएंगे, आप ये वाला फेशियल यूज करेंगे महीने में एक दो दफा, तो आपको लगातार इस्तेमाल करने से आपको एक नेचुरल ब्यूटी मिलेगी और देर पा रहने वाली आपको ब्यूटी मिलेगी, आपकी स्किन साफ हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप खूबसूरत नजर आएंगे, और हर कोई आपसे पूछेगा कि कौन से पार्लर से और आपने कौन सा फेशियल करवाया है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने कोई केमिकल्स, कोई बाजारी फेशियल नहीं यूज किया, नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किया है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से घर में फेशियल कर सकते हैं। तो फेशियल में सबसे पहला स्टेप आता है हमारा क्लींजिंग का। क्लींजिंग के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक कॉटन बॉल ले लेनी है और उसको आपने रोज वाटर में अरके गुलाब में उसको डिप करके अच्छी तरह से अपने चेहरे की क्लींजिंग कर लेनी है। आपने उस कॉटन बॉल को डिप किया, उसको स्क्वीज किया, थोड़ा सा निचोड़ा और अपने चेहरे पर उससे अच्छी तरह से मसाज किया, तो आपकी जो भी डस्ट वगैरह है और जो कुछ भी आपकी स्किन में जो डस्ट चली जाती है, मैल कुछ और, वो सब साफ हो जाएगा, इससे आपकी क्लींजिंग हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दूध लेना है, आप 2 से 3 चम्मच दूध ले सकते हैं, और इसको भी आपने इसी तरह सेम तरीका करना है कि आपने कॉटन बॉल लिया, उसको दूध में डिप किया और अपने चेहरे पर, पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से इसको आपने अप्लाई किया और आपने इसको छोड़ देना है। जब ये खुश्क हो जाएगा दूध आपके चेहरे पर, तो आपने क्या करना है कि आपने ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लेना है। दूध इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। तो चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आती है हमारी स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए आपको चाहिए बहुत ही सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स, 2 अज्जा। उसमें आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच शुगर यानी कि चीनी और 1 खाने का चम्मच आपको चाहिए ऑलिव ऑयल। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और अपने चेहरे पर लगा लेना है। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज करना चाहते तो आप कोकोनट ऑयल और लेमन जूस इसमें मिक्स कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल की जगह आपने कोकोनट ऑयल डाल लेना है और साथ में आप लेमन जूस, हाफ लेमन स्क्वीज कर सकते हैं या 1 खाने का चम्मच आप लेमन यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप हाफ लेमन इसमें स्क्वीज कर दें, वो 1 चम्मच ही निकलेगा। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है और आपने इसको अपने चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है और हल्के हाथ से आपने इसको मसाज करना है सर्कल मोशन में, और सर्कल मोशन में जब इसको मसाज किया 3 से 4 मिनट, आपने 3 से 5 मिनट का होता है, 3 से 5 मिनट आप इसको अपने चेहरे पर मसाज करें और उसके बाद आप अपना चेहरा नॉर्मल पानी से साफ कर लें, धो लें। सो फ्रेंड्स, तीसरा स्टेप आता है हमारा स्टीमिंग का। फेशियल में क्योंकि आप स्टीम करते हैं तो सम टाइम होता है कुछ लोग दूसरी तरह से स्टीम नहीं ले सकते, उनको कुछ सांस की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से भी वो स्टीम नहीं उस तरह से ले सकते, तो स्टीमिंग का आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी जिसमें आपका सांस भी नहीं बंद होगा ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आपने ये करना है कि आपने एक छोटा टॉवल लेना है, उसको आपने गर्म पानी में अच्छी तरह से डिप करके उसको हल्का सा निचोड़ लेना है कि उसका एक्स्ट्रा वाटर एक्सेस कर देना है। उसके बाद आपने ये टॉवल अपने चेहरे पर रखना है 4 से 5 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद आप अपना चेहरा साफ कर लें। तो स्टीमिंग के बाद आता है हमारा मसाज मास्क, मसाजिंग आती है या फिर हमारा मास्क आता है जो फाइनल मास्क लगाते हैं हम, तो उसमें फर्स्ट स्टेप में आता है फेस मसाज एंड मास्क। तो आपने क्या करना है
आपने सबसे पहले फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए होगा हनी और लेमन जूस। आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है, यानी बराबर मात्रा में लेना है। अगर आप ले रहे हैं एक चम्मच खाने का चम्मच आप हनी ले रहे हैं, तो एक ही खाने का चम्मच आपने इसमें लेमन का जूस मिक्स करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने चेहरे पर, पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है और इसको 20 मिनट के लिए लगा रहने देना है। इसके बाद आप अपना चेहरा पानी से धो लें और अपना चेहरा साफ कर लें और ड्राई कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी टिप। घर बैठे आप बहुत ही आसान तरीके से अपना फेशियल कर सकते हैं, महंगी चीजों से, पार्लर के खर्चे से बच सकते हैं और अपने चेहरे को एक नेचुरल ग्लो दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का फेशियल, आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और आपको ये जरूर पसंद आएगा और आपके लिए मददगार भी साबित होगा। और मजीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।